हमारी शमाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गुच्छे में देखिए, मेरा हाथ देखिए और गुच्छा देखिए, देखिए विश्वास नहीं हो रहा कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हमको प्लांट दे रहे हैं। और हमने क्या इतना हैवी फ्लावरिंग है कि जो देखिए इस प्लांट एक ही मैंने आपको टहनी अभी दिखाई है, देखिए अभी फ्लावरिंग वो है, देखिए इधर है स्टार्टिंग, नीचे स्टार्टिंग है, कितना ज़बरदस्त गुच्छा है फूलों का, देखिए है ना। इतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको लेनी है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, थोड़ी सी मेहनत सिर्फ करनी पड़ेगी, कोई बाज़ार से ज़्यादा आपको केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे ना कोई स्प्रे मैं इसमें करती हूँ ना मैं केमिकल कोई डालती हूँ, मुझे इतनी प्यारी प्यारी फ्लावरिंग मिलती है खूबसूरत खूबसूरत फूलों के साथ। तो देखिए जो मेरे न्यू लीव्स आ रहे हैं इनमें भी फ्लावरिंग होगी, ये देखिए देखिए। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये आपके पहली बार तो लीव्स जो कर, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी हम जानकारी दे दें आपको और इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको मिले। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट को नर्सरी से अगर लेके आ रहे हैं न्यू प्लांट, तो उसके लिए भी सॉइल मैं बहुत अच्छी बता दूंगी, और अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो न्यू प्लांट लेके आए नर्सरी से। जब हम कोई प्लांट अपने घर में गार्डन में ऐड करते हैं या लगाते हैं अपने यहाँ, तो सबसे पहले तो आप नर्सरी से जब प्लांट लाएँ तो फ़ौरन मत लगाइए, अपने पेड़ों के साथ उसको थोड़े दो एक दो दिन रहने दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैं सॉइल बता रही हूँ आप उसमें अगर अपने प्लांट को लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग मिलेगी, जैसे मुझे अपने गार्डन में मिली है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट में सॉइल जो मीडिया मैं बता रही हूँ वो यूज कीजिए, 40% हमारी गार्डन मिट्टी हो जाएगी, 20% रिवर सैंड ले लीजिए जिससे सॉफ्ट मिट्टी और वेल नेड मिट्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद 40% हमारी कंपोस्ट खाद या काउ डंग या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट खाद आपको जो मिल जाए वो ले लीजिए, उसको अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर लीजिए। फिर उसमें हम नीम खली एंड राख इन सबको मिक्स करेंगे, जिससे फंगस कीड़ों से वो राख हमारे प्लांट को बचाएगी और नीम खली भी हमारे प्लांट में कीड़े नहीं पड़ने देगी और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, तो वो आप ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद जो हम प्लांट लगाएंगे फिर उसमें हम 2-3 दिन अपने यहाँ शेडी एरिया में रख लीजिए, शेडी एरिया में रखने के बाद उसको फिर आप उसको कम से कम 5 घंटे की धूप प्रोवाइड कीजिए, तो फिर आप बहुत प्यारी जो हम उस प्लांट को ज़रूरत होती है डीप न्यूट्रिएंट्स की और सब जो आप उसमें प्रोवाइड करते रहेंगे वो आपका प्लांट बहुत अच्छे सर्वाइव करेगा। और सनलाइट अच्छी मिलेगी, वाटरिंग ड्रेनिंग जब ड्राई मिट्टी हो जाए तभी वाटरिंग कीजिए, जिससे कि बारिश का बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जब बारिश का पानी पड़ रहा है बट ठहरना नहीं चाहिए, इसमें से ड्रेनेज हो से निकल जाना तभी प्लांट बहुत अच्छे सर्वाइव करेगा। फिर जो प्लांट लगे हुए हैं जिनके घर में प्लांट पहले से हैं, फ्लावरिंग नहीं आ रही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने गमले की 2 इंच मिट्टी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, इतनी फ्लावरिंग है तो नीचे की जगह भी नहीं दिखती है अपने, जैसे कि अभी मेरे प्लांट में आप देख रहे कितनी ज़बरदस्त मैंने इसमें खाद दी है, फ्लावरिंग सब मेरे काउ डंग वर्मी कंपोस्ट किसी वेस्ट खाद है, कोई खाद मैं नेचुरल ही लेती हूँ, मैं कोई केमिकल खाद यूज ही नहीं करती जो मेरे प्लांटों को प्रॉब्लम हो। और ये अभी तो फ्लावरिंग तो मैं बहुत अच्छी मिल जाएगी, वो मिट्टी हमारे प्लांट की ख़राब कर देती है, तो इससे हमारा प्लांट भी ख़राब मिट्टी भी ख़राब, तो हम स्लो रिलीज खाद यूज करेंगे। तो मैंने इसमें सारी मिट्टी 2-2 इंच हमारे गमले के खाली की, उसमें जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसमें मैंने 100% जो तैयारी उसकी अच्छी की है, उसमें आप क्या करेंगे 40% हमारे काउ डंक ले लीजिए, उसमें आप नीम खली इसमें ऐड कर लीजिए, राख ऐड कर लीजिए, वोन मील ऐड कर लीजिए, और सबको ऐड करने के बाद उसके जो हम तैयारी कर लेंगे पूरी, वो हम रेशो इसमें 2-2 मिट्टी अच्छे से कवर कर देंगे, 2 या 3 मिट्टी अच्छी कवर कर देंगे। कवर करने के बाद देखिए आपको क्वांटिटी तो दिख रही होगी कितनी अच्छी ज़बरदस्त खाद है, देखिए ये सब मिट्टी के जो न्यू न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे, उसके बाद जो आपकी पीली लीव्स हो रही हों, ये देखिए अभी जो मेरे निकले इसके बाद ये देखिए ये ऐसे लीव्स जो आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और फ्लावरिंग प्लांट बहुत इस तरह से लीव्स पर मिलेंगे आपको। अब इसमें जो फ्लावरिंग हुई धीरे धीरे ऐसी लीव्स निकलती हैं, फिर इसके बाद ये डेवलप होती है, बिल्कुल आपकी लीव्स ये पूरी इधर भी होती रहे, क्यों जो न्यू लीव्स निकलेगी इस कलर में रहेगी, इस कलर में रहेगी, और जो पुरानी भी अगर इस तरह से रहेगी तो समझ लीजिए हमारे प्लांट को कोई दिक्कत हो रही है, एक न्यूट्रिशन की कमी पड़ रही है। तो इस तरह से हम अगर पूरी लेयर लगा देंगे तो वो जो हम बारिश का पानी है खुद डालते तो वो थोड़ा 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 उसमें जाता रहेगा और फिर अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी और बढ़िया ग्रोथ में होगी आपके प्लांट
ब्रांड की, तो ये बहुत ईजी है। एक मैं जो इसमें अपने स्क्रीन पे मैं जो आपको फर्टिलाइज़र के वीडियो लिंक दे रही हूँ, आप उसमें क्लिक करेंगे तो वो मेरा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। उसमें आप मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो हफ्ते में नहीं आप दे पा रहे हैं तो 10 दिन में दे दीजिए, 20 दिन में दे दीजिए, वो अपने अगर अपने प्लांटों को देंगे तो इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको मिलेगी खूबसूरत कि आप उनके गार्डन खिल जाएगा। तो ये थोड़े से एक्सोरा प्लांट में हम जो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, प्लांट बढ़िया फ्लावरिंग दे, इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग दे और स्टार्ट दे कि हमेशा आपको इस ये प्लांट में आपको हमेशा 12 महीना फ्लावरिंग होती है। आप जब हमारी इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, जैसे कि ये हमारे लिप्स खराब फूल ख़त्म हो गए, देखिए इसमें हमेशा फूल ये हटा दिए, न्यू फिर न्यू लिप्स निकलेंगी। अगर हमारी एक प्लांट से, देखिए मैं आपसे इसी में डिटेल में बताती हूँ कि सभी में नहीं निकल रहा है, हम अगर पिंचिंग करते रहेंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ से पहले पिंचिंग की तो ये निकली न्यू ब्रांच निकली, ये पिंचिंग की तो देखिए ये न्यू ब्रांच निकलेगी, इधर फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली देख रहे, इसमें भी फ्लावरिंग। सो हर कली हर लीव्स में आपको बेहतरीन फ्लावरिंग मिलेगी अगर ये तरीका आप अपनाएंगे अपने प्लांटों में। देखिए बहुत अच्छी सनलाइट फ्लावरिंग लेने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, सनलाइट अगर अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो फ्लावर प्लांट में बहुत बेहतरीन खूबसूरत फूल मिलेंगे, प्यारे प्यारे गार्डन खिल जाएगा। तो हम सभी लोग फूलों से बहुत प्यार करते हैं और आप मैंने देखे होंगे काफ़ी दिन से जो मैं वीडियो अपडेट डाल रही हूँ इसमें उस तरह से फ्लावरिंग जबी से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत दिन से मेरे फ्रेंड मुझसे पूछ रहे हैं कि इतनी अच्छी फ्लावरिंग आपकी हो रही, आप अपने प्लांट में क्या करते हैं, इतनी ये खाद आप यूज करेंगे तो इतने हैवी फ्लावरिंग उसमें होगी कि आपकी स्टिक जो है मैन वो झुक जाएगी। देखिए इसमें देखिए नीचे भी स्टिक कितनी ज़बरदस्त फूल है, सारे में आपको कली 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 दिखेगी, फूल ही फूल दिखेंगे, प्यारे प्यारे फूल गार्डन को खिला देंगे। तो इतना प्यारा फूल है, हर कलर में आपको ये मिल जाएगा, पिंक ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, डार्क रेड है मेरे पास, डार्क रेड ले लीजिए। हाँ इसकी एक वैरायटी स्मॉल भी आती है, जो मेरा वीडियो पहले से पड़े हैं आप चेक कर सकते हैं, स्मॉल वैरायटी भी आती है जिसमें भी ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। आप मैंने जो तरीका यूज़ किया है वो मैं सभी में ज़्यादातर करती हूँ तो फ्लावरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको आप हर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके फ्रूट्स प्लांट हों, चाहे वेजिटेबल्स प्लांट हों या फ्लावरिंग प्लांट हो, तो बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो तरीका यूज कीजिए, 100% फ्लावरिंग मिलेगी, 100% रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरह की कोई इसमें बीमारी हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो या आपके लीव्स ख़राब हो रहे हो तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो नीम ऑयल स्प्रे करने से जो हमारे प्लांट में कीड़े लग जाते वो नहीं लगेंगे और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, कि नीम ऑयल में इतने अच्छे तत्व होते जो हमारे प्लांट में से कीड़े भी भगाता और उसमें एनर्जी भी देता। तो इन सब का ख्याल रखिए, फ्लावरिंग लेनी है प्यारी प्यारी तो इसका बात का रखेंगे ख्याल, तो फूल मिलेंगे 1000। तो चलिए ये